शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा के मुंडी में कांग्रेस नेता गजेंद्र से सोलंकी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विशाल वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह बाइक रैली संत बुखारदास बाबा आश्रम मुंडी से आरंभ होकर बीड होते हुए वाहन रैली संत सिगाजी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंची। कांग्रेस नेता गजेंद्र से सोलंकी ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार की उदासीनता व लापरवाही की वजह से अनियंत्रित हुए लंबी वायरस से असंख्य गौमाता की मृत्यु हो रही है। प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न, बढ़ती महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर विरोध स्वरूप रैली निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रभारी कैलाश कुंडल, पूर्व विधायक राज नारायण सिंह, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह चौहान, नारायण सिंह तोमर सहित इस आयोजन कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, नेता व कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता सोलंकी ने बताया कि प्रदेश सरकार पर अब हमको भरोसा नहीं है, इस कारण कांग्रेस कार्यकर्ता सिंगाजी महाराज की शरण पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया ताकि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि मिल सके। मुंडी रजाक खान की रिपोर्ट। हमको बोल गुरु सिंगा महाराज की महात्मा गांधी की अमर रहे, आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मैसेज था कि भाई आज से पूरे मध्य प्रदेश में गांधी जी के जन्मोत्सव को लेकर, जयंती को लेकर जो प्रोग्राम है रूपरेखा पूरे मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, उसी योजना के अंतर्गत और मध्य प्रदेश में जो लंबी वायरस पूरे भारत में फैला हुआ, गायों की असंख्य मौत, लोगों में गायें बेसहारा पड़ी हुई है, गौशालाओं के ठिकाने नहीं है, तो ये यात्रा इसी महिलाओं और बेटियों और बच्चों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है और सरकार लोगों में पान दबा के खामोश बैठी है। इसी विषय में अब हमको सरकार पे से भरोसा बिल्कुल भी नहीं, सरकार पे से भरोसा उठ गया है, इसलिए हम जब जब भी द्वापर, कलयुग और त्रेता तीनों युगों में, चारों युगों में जब जब भी मनुष्य पे, इंसान पे तकलीफ बीमारी आई है, मवेशियों पे, जानवरों पे, तो पौराणिक काल से लगा कि आज तक भगवान की शरण में गए हैं, तो हम गुरु सिंगा महाराज की शरण में जा रहे हैं और किसी अधिकारी या किसी प्रशासनिक व्यक्ति को हम ज्ञापन नहीं देते हुए गुरु सिंगा महाराज के चरणों में ज्ञापन देंगे। गुरु सिंगा महाराज, ये गाय माता की, जन जन की, सृष्टि की रचना आपने की हो और आप ही इनके रखवाले हो और आप इनकी अब रखवाली करो। जिले में देखिए कांग्रेस कमजोर है, जिले में कांग्रेस संगठन के ढांचे को दूर होने में थोड़ा सा ठीक करना है और फिर जो प्रयास में हम लोग लगे, ये क्योंकि 3 जगह चुनाव आ जाने से हम लोग थोड़ा सा कहीं चुनाव में लग गए और माँ नर्मदा की सिंगाजी महाराज कृपा से मौजूद नेपाल नगर में सफलता भी प्राप्त की है। पहले हमको लगता था कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन आज ये परिणाम हमने देखा है कि नगरीय क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो रही हैं और भाजपा की जो सरकार है उनकी जो अन्याय है, नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ आज सारे युवा साथी, भाजपा के सारे लोग, किसान है, पूरे विधानसभा के लोग लगभग ये एक आवाज़ में कह रहे कि सरकार जो है किसानों के विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, महिला उत्पीड़न के मामले आप देखिए हर 9 मिनट में बलात्कार हो रहा है और जितनी मैया हम कितनी 2 मैया, अगला मैया, नर्मदा मैया, ये सब संकट में। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि लंपी वायरस जैसा एक गंभीर बीमारी जो फैल रही मवेशियों में, मैंने उधर अभी नेपाल नगर में देख के भी आया हूँ, आज सभा के माध्यम से आपके माध्यम से मुझे मांग करूँगा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु किया जाना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश का प्रधानमंत्री चीते ला रहा है, गाय के लिए 2 पूरे के घर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, चीते लाओ उनके लिए चिंता नहीं है, भेजो उनके लिए, लेकिन भारत की संस्कृति माँ को पूजा जाता है, नवरात्रि का पर्व है, माता की पूजन की जाती है और नवरात्रि के दिन में चार माताएं हैं, लक्ष्मी वगैरह के पीछे गाय माता उनकी जंगलों में घूम रही है, जंगलों में उनका शिकार हो रहा है। तो मेरा आपकी चैनल के माध्यम से कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन महात्मा गांधी ने जो जंग लड़ी थी आज से 62 साल पहले क्या थी, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पे आज अगर हम अहिंसा प्रदर्शन के बात करके चले हैं तो हम निश्चित रूप से ऐसे मानते हैं कि कांग्रेस संगठन बहुत जल्द आपको मजबूत दिखाई देगा, जिन आपको विश्वास दिला सकता हूँ, और युवा कांग्रेस के सारे संगठन आपको मैदान में दिखेंगे, हर महीने कोई ना कोई कार्यक्रम होता कराएगा।